अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स समर से रिलेटेड जो है वो बनाने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल से तो देख लिया होगा, तो आज हम आपके साथ वाटरमेलन ड्रिंक जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने वाटरमेलन लिया था, उसको हम इस तरह कट कर लेंगे, बारीक बारीक चॉप करेंगे। ये हम चंक्स डालेंगे, थोड़े से वो जूस बनाएंगे। और जैसे आजकल आपने देखा है कि आपको बड़ी सुपर मार्केट्स में जूस अवेलेबल होंगे, उनके अंदर चंक्स मौजूद होते हैं, तो ये उस तरह का इसको आपने इस तरह बिल्कुल बारीक जो है छोटा छोटा। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, आपको पता है वैसे भी गर्मी का मौसम है, किडनी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जैसे हम वाइट कपड़े को सर्फ से धोते हैं और साफ हो जाता है, ऐसे ये हमारी, अगर आप नहार पेट खाए तो ये किडनी को बिल्कुल वाश कर देता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा। और आपके किधर भी किडनी में हो, किधर भी पथरी हो, तो ये मसाले से पथरी आराम से निकाल देता है, इसकी इतनी पावर होती है। तो आप ज़रूर, ये मौसम है तो इसको एंजॉय करें और इसका फ़ायदा भरपूर उठाए। तो ये हमने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में जो है वाटरमेलन को कट कर लिए। और अब जो है हमारे पास, हम एक गिलास बना रहे हैं, आप जितना बनाएंगे उस हिसाब से आपने वो डालेंगे। वाटरमेलन ऐड कर लिया हमने, तरबूज, चीनी हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जो वेट लॉस पर है वो चीनी अवॉइड भी कर सकते हैं। 2 पत्ते पुदीने के और बस सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी के, वो ये हो जाए। अब हम इसको कवर कर लेंगे। स्ट्रेन कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा फाइबर होता है और बीज होते हैं तो उसका भी वो रह जाता है, तो वो थोड़ा सा फिर वो अच्छा नहीं लगता। ज़रूर ट्राई करिएगा अगर मैदे में गर्मी हो, जलन आपको महसूस हो, किडनी का कोई मसला हो, किसी को जरकान हो, जरकान के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और स्पेशली आपके चेहरे पे बहुत ही मज़ेदार सी ग्लो लाता है ये। ये देखिए जी, इसके बीज ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई पी सकता है ना तो ये बीज भी बहुत, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए तो फिर हमने तब छाना है जी किए, वरना ये बीच में आप फाइबर इसको यूज़ करें जब आप ख़ुद बनाएं। तो ये सारा जो हम ड्राई फ्रूट में मंगवाते हैं तरबूज के बीच, 4 मगज़ ये वो है। ये हमने जूस जो है वो स्ट्रेन कर लिए, बच्चों को भी दें, खुद भी पिए। वैसे भी आपको पता है जो सीज़न हो जिस फ्रूट का, आप लोग उसके बेनिफिट अब हम इसे किया करें। चंक्स ऐड कर देंगे तरबूज के, अब हम इसके अंदर साथ ही आइस क्यूब जो है वो ऐड कर देंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कितना आप ठंडा चिल करके, वैसे भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और अब एंड में हम इसके अंदर ब्लैक पेपर जो है जी, बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है, ब्लैक सॉल्ट और साथ ही लेमन जूस ये ज़रूर डालना है। ये 1/2 टीस्पून हमने डाला कि हमारा एक गिलास तैयार करने के लिए गिलास। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बहुत ही यमी सा बनता है, बहुत ही झटपट सा। मेहमान भी है तो आप उनको भी पिलाएं, और मेहमान आपसे पूछेंगे कि आपने इसमें क्या डाला है। और कोई चीज़ नहीं है, बस ये तरह बनाने का तरीका है। नींबू भी है, ब्लैक सॉल्ट है और लेमन है, और थोड़ी सी शुगर। अगर आपका तरबूज मीठा है तो फिर आप अवॉइड कर लें, नहीं थोड़ा सा डाल लें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा वाटरमेलन का जूस जो है वो रेडी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा वाटरमेलन जूस जो है रेडी हो गया। इसी तरह समर से रिलेटेड हम आप लोगों के साथ और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जो है वो शेयर करेंगे, खुद भी पिए, बच्चों को भी दें, घर में गेस्ट आए उनको भी दें, बुज़ुर्गों को भी बुलाएँ, ताकि इस एज में उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हों। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।